सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो आज हम अपनी झिलमिल पुस्तक का अगला पाठ, नया पाठ शुरू करेंगे, जो है पाठ 7, मधुमक्खी। सो आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालिए और मैम जैसे रीड कर रही हैं, मैम के साथ साथ ऐसे फिंगर ट्रेस करते हुए रीड करिए। पाठ 7, मधुमक्खी। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे, बच्चे शांति से सुन रहे थे। अचानक खिड़की से एक मधुमक्खी घुस आई और कक्षा में मंडराने लगी। राहुल के तो सिर पर ही बैठने वाली थी। कक्षा में खलबली मच गई। सारे छात्र हाथों में पुस्तक ले उसे भगाने का प्रयास करने लगे। अध्यापक ने बड़ी मुश्किल से छात्रों को शांत किया और मधुमक्खी को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला। अब बातचीत का रुख मधुमक्खी की ओर मुड़ गया। अमन ने पूछा, अध्यापक जी, ये मधुमक्खियाँ घूम घूम कर क्या ढूंढती हैं? मंसूर बोला, क्या ये छत्ते में रहती हैं? शहद में चिपकती नहीं है? उसकी बात सुनकर बच्चे हंस पड़े। अध्यापक बोले, चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में ही बताता हूँ। अध्यापक बताने लगे, मधुमक्खी को बेहद मेहनती जीव कहा जाता है। यह सारा दिन फूलों पर मंडराती है, उसका रस चूसती है और उसे छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है जो कभी अकेली नहीं रहती, हमेशा समूह में रहती है। यह समूह एक बड़े परिवार की तरह होता है। बच्चे बड़े ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, उनके समूह में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और अपनी संख्या बढ़ाने का काम करती है। बाकी मक्खियाँ मजदूर मक्खियाँ होती हैं, जो छत्ता बनाने तथा फूलों का रस और पराग इकट्ठा करने का काम करती हैं। छत्ता कैसे बनता है, एक बच्चे ने प्रश्न किया। मजदूर मक्खियों के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे मोम जैसा पदार्थ निकलता है। इसी पदार्थ से मधुमक्खियाँ खांचे नुमा छत्ते को बनाती हैं। अंडे और अंडों से निकलने वाले नन्हे लार्वा छत्ते में रहते हैं। लार्वा का पालन पोषण की जिम्मेदारी मजदूर मक्खियों की होती है। फूलों के रस और पराग को मजदूर मक्खियों द्वारा कुछ विशेष प्रक्रियाओं के बाद शहद में बदल दिया जाता है। लार्वा को यही शहद भोजन के रूप में दिया जाता है। लार्वा विकसित होकर राजा मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या मजदूर मधुमक्खी का रूप लेते हैं। मजदूर मधुमक्खियाँ फूलों के रस के साथ पराग कणों को भी एकत्रित करके छत्ते में रखती हैं। ये पराग कण विशेष प्रोटीन के रूप में शरीर की वृद्धि के लिए काम में लाए जाते हैं। क्या मधुमक्खियाँ आपस में बातचीत कर सकती हैं, बच्चों ने पूछा। हमारी तरह ये बोल तो नहीं सकती, परंतु कुछ विशेष संकेतों का आदान प्रदान कर सकती हैं। सामान्यतः ये शरीर से कुछ विशेष रसायन और गंध स्रावित करके सूचनाएं भेजती हैं। एक विशेष जाति की मधुमक्खियाँ छत्ते के आसपास नृत्य करके आसपास लगे फूलों के बारे में दूसरी मधुमक्खियों को सूचना देती है, अध्यापक ने बताया। क्या सारी मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं, बच्चों ने पूछा। नहीं, अध्यापक बोले, कुछ विशेष जाति की मधुमक्खियाँ बिना डंक वाली भी होती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से निकला शहद और मोम हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। अब आप लोग मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं,
अध्यापक हंसते हुए बोले, अब मधुमक्खी देखते ही डरना नहीं, हो सकता है वह बिना डंक वाली हो और आपसे दोस्ती करना चाहती हो। अध्यापक की बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़े। धन्यवाद।